वेल, आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये जो चेंजेस है अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्जेस को इनक्रीज कर दिया गया है। तो कौन से चार्जेस हैं, किस तरह की कैटेगरी में इंक्रीज़ हुआ है और कौन से कैटेगरी में आपको अब रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले चेंजेस की, तो वो है एनुअल परसेंटेज रेट के ऊपर। ये उन पर लागू हो जाएगा जो भी अपने अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बन गया 10,000 रुपये, उसमें आपको मिनिमम अमाउंट मिल जाता है 1,000 रुपये, पे कीजिए और बाकी इसे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। तो वैसा कुछ अगर आप करते हैं तो इस पर अब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पर एनम के हिसाब से 43.8% का पर एनम लगेगा और 3.59% का आपको मंथली परसेंटेज रेट जो है पे करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से तो आपको यही सजेशन होगा कि आप अपना जो भी अमाउंट खर्च करते हैं उसे आप टोटल बिल पे कर दीजिए, उसे कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में मत पड़िए। दूसरा जो अपडेट हुआ है, दूसरा जो चेंजेस हुआ है, वो है लेट पेमेंट चार्जेस को लेकर। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, अगर आपकी स्पेंडिंग 100 रुपया है तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस कुछ भी नहीं देना है, लेकिन 100 रुपया से ज़्यादा और 500 के बीच में है तो लेट पेमेंट चार्जेस के नाम पर आपसे 100 रुपया चार्जेस लिए जाएंगे। और 500 से लेकर 5,000 के बीच में आपकी ट्रांजेक्शन है तो आपसे 600 रुपये का लेट पेमेंट चार्जेस लिया जाएगा। एंड 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपकी स्पेंडिंग है तो आपसे 700 रुपये का जो लेट पेमेंट चार्जेस है वो लिया जाएगा। और 10,000 से लेकर 20,000 की ट्रांजेक्शन है तो 800 रुपये, और 20,000 से 50,000 की ट्रांजेक्शन है तो 1,100 रुपये, और 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन है और उसे आप टाइमली पे नहीं करते हैं तो आपसे 1,300 रुपये का चार्जेस लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरा आपसे यही सजेशन होगा कि आप जो भी अमाउंट खर्च करें, जो भी उसका ड्यू डेट है, उससे पहले ही आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। ड्यू डेट के बाद में अगर आप पेमेंट करते हैं तो जो मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाया है, जितने अमाउंट आप खर्च करेंगे उस पर जो चार्जेस मैंने आपको दिखाए हैं उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और साथ ही इससे आपका सिबिल स्कोर के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ड्यू डेट के बाद में पेमेंट कीजिए। हमेशा आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि ड्यू डेट से 3-4 दिन पहले ही पेमेंट कर दे। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो हुआ है पेमेंट रिटर्न चार्जेस के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का अमाउंट बना है उसे आपने पे करना है, तो कुछ लोग जो होते हैं ऑटो पे लगा देते हैं या कुछ लोग चेक वगैरह से पेमेंट करते हैं। इनएच की सर्विस वगैरह आपने ले रखी होगी, ऑटो पे में इनएच का ही सर्विस लगता है, तभी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक से आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पे हो जाता है। तो ऐसा कुछ सर्विस आप ले रहे हैं तो किसी भी कारण से ड्यू डेट को आपकी पेमेंट नहीं गई, यानी आपका पेमेंट फेल्ड हो गया, तो उस पर आपको 2% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। मिनिमम आपको 500 रुपये तो ही पे करना ही पड़ेगा, अगर हायर अमाउंट उस पर आपसे 2% के हिसाब से चार्जेस लिया जाएगा। चौथा जो चेंज हुआ है वो कैश विड्रॉ के ऊपर हुआ है। तो आप भी अपने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर कैश विड्रॉ करते हैं, यानी एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, तो उस पर अब आपसे 2.5% के हिसाब से चार्जेस लिया जाएगा। ये मैक्सिमम अमाउंट के ऊपर है, लेकिन अगर आपका 100 रुपये भी विड्रॉल होता है ना तब भी उस पर 500 रुपये तो आपको मिनिमम चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे। बट इसमें एक क्रेडिट कार्ड को छूट मिली है जो कि जीनत प्लस क्रेडिट कार्ड। तो जितने भी जीनत प्लस क्रेडिट कार्ड के होल्डर हैं उनको कैश ड्रॉ के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ चेंजेस की बात करें तो वो एक्सप्रेस लोन के ऊपर है। तो एक्सप्रेस लोन के ऊपर जो प्रोसेसिंग फी लगता था अब उसे 2% कर दिया गया है। एक और बड़ी बैड न्यूज ये है कि अब आपको रेंट पेमेंट और एजुकेशन पेमेंट के लिए कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। जहां दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में यही है, आप यहां पर देख सकते हो डिसकंटिन्यू ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड कैशबैक। तो ये जो अपडेट है कुछ क्रेडिट कार्ड के ऊपर लागू नहीं होगा। तो कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है, तो जीनत प्लस क्रेडिट कार्ड, एक्सियागो एजु क्रेडिट कार्ड, आदित्य बिरला फाइनेंस, एयू प्रो, फ्लेक्स, एनएक्सटी, बिज क्रेडिट कार्ड होल्डर के ऊपर ये जो अपडेट है लागू नहीं होगा। यानी इन क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप रेंट पेमेंट करेंगे या एजुकेशन या गवर्नमेंट पेमेंट करेंगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, लेकिन इनके अलावा दूसरे जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो, जैसे कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड हो गया, लिट क्रेडिट कार्ड, अल्टूरा प्लस, अल्टूरा साइड क्रेडिट कार्ड, तो इनसे ट्रांजेक्शन करने पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह या कैशबैक नहीं मिलेगा। एंड अगेन जो है रिवॉर्ड एंड कैशबैक वाले कैटेगरी में ही यहां पर चेंजेस हुए हैं, जो कि टेलीकॉम सेक्टर में और यूटिलिटी पेमेंट में करते हैं तो आपको कैशबैक मिलेगा, जो कि यहां पर 100 रुपीज स्पेंड करने पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा यूटिलिटी एंड टेलीकॉम स्पेंड के ऊपर, जिसमें यहां पर कैपिंग है कि आप मैक्सिमम जो 10,000 रुपये स्पेंड करोगे उसी के ऊपर ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, और मैक्सिमम जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो आपको 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे। बट इसमें भी कुछ क्रेडिट कार्ड को छूट मिली हुई
हुई है, जैसे कि जीनत प्लस क्रेडिट कार्ड, एक्सियागो एयू क्रेडिट कार्ड, आदित्य बिरला फाइनेंस, एयू प्रो फ्लैक्स, एनेक्स्ट बिज क्रेडिट कार्ड को छूट मिली हुई है। इस पर जैसे पहले आपको कैशबैक वगैरह मिलता था यूटिलिटी एंड टेलीकॉम पेमेंट पर, वैसे ही अब भी मिलेगा। अभी तक इस कंप्लीट वीडियो में आपने एक क्रेडिट कार्ड का नाम जरूर से सुना होगा, जो कि है जीनत प्लस क्रेडिट कार्ड। तो जीनत प्लस क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन इससे पहले के जो चेंजेस बात करें तो वो जो चेंजेस है इस पर लागू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये चेंजेस इसके ऊपर भी लागू होगा। तो फर्स्ट चेंजेस हुआ है जीनत कार्ड होल्डर के लिए कि 8 कॉम्प्लीमेंट्री आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा विद इन इंडिया में, जिससे आप पर कैलेंडर क्वार्टर जो है 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्रति 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं इंश्योरेंस पेमेंट या फिर इंश्योरेंस मर्चेंट के ऊपर तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। एंड अगर आप डाइनिंग पे स्पेंड करते हैं तो पर स्टेटमेंट आप मैक्सिमम जो अर्न कर सकते हैं 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। और आप किसी भी कैटेगरी में स्पेंड करें तो आपको पूरे स्टेटमेंट साइकिल में 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे जीनत क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो जितने भी चेंजेस होने वाले थे वो सभी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये जो चेंजेस है कब से लागू होगा। तो 1 अप्रैल 2024 से, यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर से, ये सारे अपडेट जो है लागू हो जाएंगे। सो आपके पास में ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अभी तक आपने ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लिट क्रेडिट कार्ड है उसे आप इजीली ले सकते हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा उसके अप्रूवल मिल रहे हैं। या आप क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर लेना चाहते हैं, यानी आपके पास में कोई दूसरा एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक का, एक्सिस का हो गया, ICICI का, SBI का, तो उसके बेसिस पर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक्साइड क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको इजीली मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर। लेकिन आप फ्रेशर हैं, यानी आपके पास में कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप लेना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड, तो उस केस में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। और जैसे ही अकाउंट ओपन करेंगे इसको कुछ महीने तक आप मेंटेन कीजिए, 3-4-6 महीने, उसके बाद में आपको इनके तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाता है क्रेडिट कार्ड का। मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने जब इस अकाउंट को ओपन किया था तो मात्र 5 महीने बाद में मुझे एयू बैंक का लिट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मिल गया, और करंट टाइम में मैं लिट क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। और उसके अलावा एयू बैंक आपको UPI रुपए क्रेडिट कार्ड भी देता है, जो कि इंस्टा पे क्रेडिट कार्ड के नाम से आपको देता है, तो इसे भी आप ले सकते हो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे। यानी आप एयू बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड ले लोगे ना तो उसके बेसिस पर आप UPI क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, जिसका लाइव अप्लाई प्रोसेस का वीडियो मैंने बनाकर आपको दे दिया है। तो प्राइवेट में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, साथ ही आपको हमारा ये वाला वीडियो भी जरूर से पसंद आएगा तो इसे भी जाकर देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।